नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वाले बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2024 प्रारंभ होगा, हमारे काम बनेंगे, सफलताएं मिलेगी, कैरियर बढ़िया रहेगा, हमारे दुख दूर होंगे, कुछ न कुछ सफलताएं देखने को जरूर मिलेगी, जो हमने प्लानिंग किया है उसमें सफलताएं मिलेगी, बड़ी बड़ी प्लानिंग किए थे। लेकिन वर्ष 2024 प्रारंभ हुए, लगभग 6 महीने बीत गए और अभी तक मिथुन राशि वालों के जीवन में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों? जबकि जनवरी से लेकर मई के बीच कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया और कई लोगों की आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक स्थिति खराब रही। ऐसा क्यों? और आने वाला जो समय है जुलाई से दिसंबर तक का, ये कैसा रहने वाला है? जुलाई से दिसंबर तक की ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी? क्या इस बीच में कुछ लाभ होगा, काम बनेंगे या ये भी समय ऐसा ही बीतेगा? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी से जून तक की ग्रहों की स्थिति के बारे में। ग्रहों का प्रभाव शुभ क्यों नहीं रहा? सबसे पहले बात करेंगे मंगल के बारे में। तो मंगल 16 जनवरी तक अस्त थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के समीप प्रायः राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। सूर्य के पास इतना तेज है कि कोई भी ग्रह सूर्य के समीप जाता है वो मुरझा जाता है। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, इतनी ज्वालाएं निकलती है कि कोई भी ग्रह जो है पहुंचते ही मुरझा जाता है। इसीलिए एक निश्चित डिग्री तक ग्रहों का अस्त होना होता है। ऐसे में कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो वो अपने शुभ प्रभाव जो है नहीं दे पाता है, जबकि अशुभ परिणाम देने में सक्षम होता है। इसी प्रकार मंगल जो है 16 जनवरी तक अस्त थे और मंगल आपकी राशि के अनुसार से लाभ भाव के मालिक थे, आय भाव के मालिक थे और छठे भाव के भी मालिक थे, ऋण के मालिक थे, कर्जे के मालिक, रोग, ऋण, शत्रु के मालिक थे, जो कि 16 तारीख तक ये अस्त थे। अब कोई ग्रह अस्त होता है तो वहां पर बाधाएं देखने को मिलती है, आय से संबंधित कहीं ना कहीं बाधाएं, परेशानियां देखने को मिली, लाभ नहीं हुआ या जो लाभ हो रहा था वो जो है समाप्त हो गया, खत्म हो गया, स्रोत बंद हो गए। कई लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ गया, क्योंकि कर्जे के मालिक भी है मंगल और मंगल 2023 सितंबर से अस्त चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है मंगल रोगों में वृद्धि करना, स्वास्थ्य को खराब करना, शत्रुओं को पैदा करना, कर्जों को बढ़ाने का काम जो है कर रहे थे। अब मंगल 16 तारीख तक तो अच्छे परिणाम नहीं दिए, लेकिन 16 तारीख के बाद ये धीरे धीरे मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे थे कि बुध जो है 8 फरवरी से 11 मार्च तक अस्त हो गए। साथ ही साथ शनि जो है 11 फरवरी से 18 मार्च तक ये भी अस्त हो गए। फरवरी के महीने में दो जो है ग्रहों का अस्त होना, कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों पर कमी देखने को मिलती है। अब शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि आपके भाग्य के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है। भाग्य का साथ नहीं मिला, आपने मेहनत तो किया लेकिन भाग्य का साथ ही नहीं मिला। अष्टम भाव के मालिक है, कर्जे बढ़ गए, परेशानियां बढ़ी, माहौल खराब हुआ, ससुराल पक्ष से कई लोगों के संबंध खराब हुए, पैसा फंस गया, रुकावटें आई और कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी देखने को मिली। तो ये स्थिति जो है शनि के द्वारा बन रही थी और शनि की दृष्टियां ज्यादा अशुभ मानी जाती है, तो लाभ भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण लाभ जो होने वाले थे वो रुक गए, लाभ नहीं हुआ, सिर्फ आकांक्षाएं रह गई। शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही थी, मेहनत तो खूब करना पड़ा लेकिन सफलताएं नहीं मिली। और वही सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, दसम दृष्टि शनि की छठे भाव में होने के कारण ऑफिस में या आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं माहौल खराब होने का जो है योग बना, शत्रु पैदा हुए, अपनों ने ही धोखा दिया और अपने लोगों ने ही पैसा लेकर के जो है फंसाने का काम किए। तो ये स्थिति जो है फरवरी और मार्च के महीने में देखने को मिली। वही बुध जो कि 8 फरवरी से 11 मार्च तक अस्त थे और बुध जो है आपके चौथे भाव के मालिक थे और ये
लगन भाव के भी मालिक है, राशि के मालिक है। और जब भी राशि का मालिक खराब स्थिति में हो तो कहां से अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं देखने को मिली, कॉन्फिडेंस लो हो गया, किसी भी चीज में हाथ डाल रहे थे सफलता ही नहीं मिल पा रही थी। वही चौथे भाव के मालिक भी बुध है तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से संबंधित भी परेशानियां पड़ी। कई लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिकी और कई लोगों की बिकी भी तो उसमें परेशानियां बहुत आई। जिन लोगों ने खरीदा उन लोगों को भी बहुत परेशान होना पड़ा। तो ये जो है स्थिति जो है समझ जाइए फरवरी और मार्च के महीने में देखने को मिली। इसके बाद यदि अप्रैल महीने के बारे में बात करें तो पुनः जो है बुध जो है 4 अप्रैल से 19 अप्रैल तक अस्त हो गए, तो भी ये परेशानियां जो है बनी रही। साथ ही साथ सूर्यदेव 13 अप्रैल से 14 मई तक जो है राहु के साथ ग्रहण योग में थे। अब ये कैरियर के भाव में बन रहा था तो कई लोगों की परेशानियां कैरियर से संबंधित बढ़ गई और ये परेशानियां जो है समझ जाइए अप्रैल के महीने से बढ़ी हैं। कई लोगों की नौकरी अप्रैल और मई के महीने में चली गई, परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, कई लोग चेंज करने का मूड बना रहे हैं क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। साथ ही साथ जो है शुक्र बुध और सूर्य की युति भी कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में बड़ा चेंजेस देखने को मिला। जो स्थितियां पहले थी वो स्थितियां नहीं रह पाई और साथ ही साथ जो स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, जिस चीज में हाथ डाल रहे थे सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, कामयाबी नहीं मिल पा रही थी और मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा था। तो सूर्य तो तीसरे भाव के मालिक है, बल पराक्रम के मालिक है, तो मेहनत भी कराएं पराक्रम भी करवाएं लेकिन उतनी सफलताएं नहीं मिली। यात्राएं भी आपने खूब किया लेकिन यात्राओं से कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला, तो ये स्थितियां देखने को मिली। उसके बाद जो है 25 अप्रैल से 29 जून तक शुक्रदेव अस्त हैं और शुक्र जो है आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का। विद्यार्थियों के लिए भी समय उतना बढ़िया नहीं रहा और अभी 29 जून तक जो है शुक्र अस्त है तो ध्यान रखना है। लव लाइफ के लिए भी समय उतना बढ़िया नहीं रहा, संतान पक्ष को लेकर के भी चिंता बनी रही और फाइनेंशियल स्थिति भी खराब रही, तो ये समस्याएं देखने को अभी भी जो है मिल रही है, अभी भी परेशानियां चल रही है जो कि 29 जून तक शुक्र रहेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते थे समय पर काम नहीं बना, डिले हुआ और अभी भी डिले हो रहा है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया लेकिन अभी काम जो है बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 29 जून के बाद जैसे शुक्र जो है उदय होंगे तो ये काम बनने लगेंगे। लव लाइफ से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी अभी हल्का फुल्का जो है मनमुटाव देखने को मिल रहा है, तो ये स्थितियां भी अभी 29 जून तक देखने को मिलेगी। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु जो कि 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आए हैं और वो भी जो है 7 मई को जो है ये अस्त हो गई। 7 मई से लेकर के 2 जून तक ये अस्त है। अब ये 6 जून के बाद जो है आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे लेकिन 12वें भाव में गुरु उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं क्योंकि ये व्यय भाव है, हानि का भाव है, नुकसान का भाव है। हाँ, यदि आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा और यहाँ पर गुरु जो है खर्चे भी खूब करवाते हैं और गुरु आपके कैरियर के मालिक हैं। कई लोग जो है विदेश जा सकते हैं, मतलब जून के महीने से लेकर के 2025 मई के महीने में कई लोग जो है विदेश जाएंगे और विदेश में उनको सफलताएं भी मिलेगी, विदेश का अच्छा योग बनेगा। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखना है कि 2 जून के बाद जैसे ये उदय हो जाएंगे अपना काम करना प्रारंभ कर देंगे। तो गुरु कैरियर में बदलाव करने का काम करेंगे और व्यापार के भी मालिक हैं तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उसमें अच्छा लाभ देंगे, विदेश से जुड़ी हुई कंपनी से संबंधित यदि काम कर रहे हैं उसमें अच्छा लाभ आपको देने का काम करेंगे लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ा सा धोखा मिल सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, यहाँ पर भी सावधानी रखना है। विवाह के लिए रिश्ते जुड़ नहीं पाएंगे कई लोगों के और कई लोगों का विवाह नहीं हो पाएगा क्योंकि राशि से 12वें भाव में गुरु चल रहे हैं तो 14 मई 2025 तक विवाह का योग भी नहीं है। इस कारण से वैवाहिक जीवन के लिए जो है गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, पार्टनरशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है लेकिन विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, विदेश में रह रहे हैं तो उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा।
तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, पूरे वर्ष भर कैरियर को लेकर के चिंता बनी रहेगी, कैरियर में कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी, इसलिए गुरु का उपाय करना बहुत जरूरी है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का आपको जप करना है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल 16 जनवरी के बाद जैसे ही जो है उदय होंगे, तो ये जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियों में देखने को मिले। जैसे अब उदय तो हो गए 16 जनवरी को, उसके बाद जो है शनि के साथ मंगल जो है द्वंद्व दोष बनाए, लड़ाई झगड़े वाला दोष, अहंकार वाला दोष, ईगो वाला दोष, शत्रुओं को बढ़ावा देने वाला दोष, कहीं ना कहीं परेशानी को बढ़ाने का काम किया। उसके बाद जो है मंगल जो है राहु के साथ 31 मई तक जो है गोचर किए, तो अंगारक दोष भी बना। तो कहीं ना कहीं जनवरी से लेकर के 31 मई तक मंगल की स्थिति ठीक ना होने के कारण आय से संबंधित, लाभ से संबंधित परेशानियां देखने को मिली, और शत्रु पैदा हुए, अपनों ने धोखा दिया, पैसा आपका फंस गया, व्यर्थ का पैसा आपका बर्बाद हुआ, तो ये स्थितियां देखने को मिली। अब यदि हम बात करें बुध के बारे में, तो बुध की स्थिति भी 10 मई तक अच्छी नहीं थी, क्योंकि बुध नीच राशि में गोचर कर रहे थे, राहु के साथ जड़ दोष बना रहे थे, और ये कैरियर के भाव में ही गोचर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बुध भी स्वास्थ्य को जो है प्रॉब्लम में डालने का काम, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, कॉन्फिडेंस लो हो जाना, व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहना, स्वयं का काम सही ढंग से ना चल पाना, रुक रुक करके चल पाना, ये परेशानियां देखने को मिली। अब बुध जो है 10 मई के बाद जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मई के महीने में बुध की स्थिति ठीक है, जून के महीने में भी ठीक है, और जुलाई के महीने में धन भाव में बुध का गोचर रहेगा, तो जुलाई का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर तक बुध अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ होगा, कैरियर में कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये समझ जाइए कि बुध की स्थिति जुलाई से दिसंबर तक आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद बात करें हम सूर्यदेव के बारे में, तो सूर्य जुलाई से अच्छे हो रहे हैं, जुलाई तक सूर्य की स्थिति भी उतनी बढ़िया नहीं थी। सूर्यदेव जो है जुलाई के महीने में जो है आपकी राशि में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, अच्छे परिणाम देंगे। अगस्त में आ जाएंगे ये धन भाव में, सितंबर में आ जाएंगे तीसरे भाव में, दिसंबर तक सूर्य के अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं, एक बेहतर स्थिति रहेगी, बल पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्रदेव के बारे में, तो शुक्र अभी 29 जून तक अस्त है, जो कि शिक्षा संबंधी, लॉ लाइफ संबंधी, फाइनेंशियल स्थिति से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करेंगे, विदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में रुकावट पैदा करने का काम करेंगे। 29 जून को जैसे ये उदय हो जाएंगे, तो विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया रहेगा, और विदेश के लिए समय बढ़िया रहेगा। तो ये समझे शुक्र की स्थिति 29 जून से बढ़िया हो जाएगी, फिर दिसंबर तक शुक्र भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो मंगल भी जो है आपको जुलाई के महीने से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वैसे तो मंगल 31 तारीख से 31 मई से जो है अपनी राशि में आ गए हैं, यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन ये अभी जो है जून के महीने में 12वें भाव में गोचर करते हुए दिखेंगे जून जुलाई में, उसके बाद लास्ट जुलाई में जो है लास्ट जुलाई से मंगल आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। तो लास्ट जुलाई से मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार है, अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। गुरु जो है गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 6 जून के बाद जो है कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन कुछ सावधानी भी रखना है, उपाय भी करना है। और गुरु जो है 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, गुरु लाभ भाव के फल देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे। तो 9 अक्टूबर से दिसंबर तक गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी। शनि जो कि अस्त थे मार्च के महीने में, अब ये उदय हो गए हैं, और उदय होने के बाद ये अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि योग कारक है, लेकिन ये वक्री हो जाएंगे 29 जून को। अब 29 जून को शनि जो है वक्री हो जाएंगे, तो कुछ लोगों को तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की परेशानियों को बढ़ा देंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, योग कारक है, उच्च राशि में है, स्वराशि में है,
मित्र राशि में है, केंद्र कोण भाव में है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। अब यही शनि यदि किसी के कुंडली में नीच राशि में होंगे, त्रिक भाव में होंगे, मारक होंगे, शत्रु राशि में होंगे, पाप ग्रहों से प्रभावित होंगे तो बुरे परिणाम देंगे। तो विशेष तौर पर 29 जून से 15 नवंबर तक थोड़ा सावधानी रखना है, ध्यान रखना है, और शनि का उपाय भी आपको करना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद राहु केतु के बारे में बात करें तो 6 जून के बाद राहु एक्टिव हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। राहु आपके कैरियर में अचानक बदलाव करने का काम करेगा, प्रमोशन देने का काम करेगा, और ये राहु 12वें भाव में अचानक जो है बड़े बड़े जो है सफलताएं देने का काम करता है। केतु 4थे भाव में थोड़ी परेशानियां जरूर उत्पन्न करते हैं, क्योंकि टेंशन बना रहता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन राहु की स्थिति राजनीति कारक है, तो राजनीति में आपका मन लग सकता है, या ठेकेदारी से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, शराबादी से जुड़े हुए 2 नंबर के काम आप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां राहु जो है 6 जून के बाद जो है बनाने का काम करेंगे, मतलब राहु आपको सक्सेस करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की ग्रहों की स्थिति बहुत ही शानदार है मिथुन राशि वालों के लिए, और ये एक बेहतर स्थिति है, बदलाव कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलने वाला है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन जनवरी से जून तक की ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं थी, तो ये बदलाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा यदि आपके फेवर में है तो ये बदलाव देखने को मिलेगा, अन्यथा बदलाव कम देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जुलाई से बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।